गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपको जी। तो गुरुजी मैं बुधनी से हूँ और जो मेरी वाइफ है उनको प्रेत आत्माओं ने जकड़ के रखा था। वाइफ को कि पत्नी को? जी पत्नी जी। गुरुजी हमको किसी ने बोला चर्च में लेके जाओ, तो हम चर्च में भी लेके गए, वहाँ पे भी दिखाया, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत असर हुआ। फिर इसके बाद वैसे की वैसा दोबारा होने लगा। फिर हम मंदिरों में गए, बहुत सी जगह यहाँ पे इलाज कराया, फिर वहाँ भी फ़ायदा नहीं लगा। फिर हमारी बुआ जी ने बताया कि वृंदावन जाएँ, यहाँ 2 दिन से हमें और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो मिल रहा है कि अभी ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, क्या हो गया आपको? गुरुजी हम 8 साल से परेशान हैं, मेरे घुटनों में भी दर्द है, मेरे हाथों में भी दर्द होते हैं और मुझे चक्कर भी आते हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे क्या हो गया है। ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? आते हैं जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं गुरुजी। कौन, क्या नाम है? गुरुजी मेरे शरीर में आते हैं तो बोलते हैं सुन लो, एक मेरे ससुराल से बोलते, एक मेरी मायके से भी बोलते हैं। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? चुड़ैल है गुरुजी। चुड़ैल है मतलब? 18 साल से मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मैं चर्च भी जाती हूँ फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तो चर्च क्यों जाती हो, मंदिर जाओ। मंदिर भी गई थी जी। फिर? मंदिर भी गई थी, धागा भी बनवाया, डॉक्टर की गोली दवा भी खाई गुरुजी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। इसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है, आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नल दिग्मनयमे भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, ऐसे श्लोक हैं, नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो। नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो, ऐसा जहाँ भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन नारायण कहती रहा करो। कहोगी? श्री राम नारायण। श्रीमन नारायण। राम नारायण। श्री मन मन नारायण। श्री मन नारायण। श्रीमन नारायण। श्री मन नारायण। चरणौ चरणौ शरणम। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा जी गुरुजी। आपको कोई प्रेत प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मैं आपके आशीर्वाद से चंगी हो जाऊं? हो ही, और चंगी हो जाओ, मतलब ठीक हो जाऊं। और वहाँ पे जाते हैं गुरुजी तो बोलते हैं कि आपके देवी देवताओं को छोड़ दो। कौन बोलता है? चर्च में जो लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको पकड़ लें? चर्च वाले बोलते हैं कि तुम अपने देवी देवताओं को छोड़ दो, हमारे चर्च वाले भगवान को आप एक्सेप्ट करो। उनसे पूछना कि ये ईशु कौन है आपके, पूछना उनसे। वो क्या बोलते हैं, कौन है ईशु? वो कहते हैं कि ईशु परमात्मा है, भगवान है, उन्हीं को मानो। उनके कहने पे हमने घर में जो भी देवी देवताओं की मूर्ति थी सब पानी में डाल दी, शिरा दी उनको। अच्छा, और आपने डाल दी? मजबूरी थी, इनको ठीक करना था इसलिए हमने सब डाल दी। अरे भाई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। यदि भगवद गीता में सनातन में दम ना होती तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती।